अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ यार सब खैरियत से होगे। ठीक है, तो यार आपका भाई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर सुन के जो है ये वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो सुबह मैं उठा यार, मैंने एक न्यूज़ देखी, ठीक है, यूट्यूब पे। मैंने सोचा चलो व्यूज़ चेक करता हूँ वीडियो के कि कितने आए हैं। ठीक है, तो मैंने खबर सुनी तो उस खबर में ये था कि फैसलाबाद में जो है एक भाई के साथ हादसा हुआ है। ठीक है, वो बाइक पर जा रहे थे रोड पर, तो उनको जो है गले पर डोर फिरी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यार इस चीज़ का अफसोस हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है दुख हुआ है। ठीक है, टोटल एज थी भाई की 22 साल। ठीक है, 22 साल की बिल्कुल यंग एज में जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ठीक है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो बाकी जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों की भी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, उनमें उन्होंने बोला हुआ है मोटी डोर जो है ना यूज़ की जाए। तो मैं तो इस हक में हूँ कि मोटी डोर के साथ साथ केमिकल भी ना यूज़ की जाए। ठीक है, क्योंकि यार केमिकल भी जो है ख़तरे से खाली नहीं है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, वीडियोज़ बनाते हुए। ये तकरीबन 7-8 दिन हुए हैं मैंने पतंग वाला कंटेंट मतलब पकड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो मैंने सोचा चलो यार बहुत से लोग बना रहे हैं तो मैं भी बनाता हूँ। और मैं आपके भाई के कंटेंट में और लोगों के कंटेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वो उड़ाते हैं डोर से जो मैंने आज तक नहीं खरीदी। ठीक है, डोर तो मैं भाई जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं धाके से उड़ाता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जो है डोर वगैरह पता है मुझे नुकसान करती है बहुत ज़्यादा, तो मैं धाके से उड़ाता हूँ। डोर के पीछे मैंने पैसे आज तक नहीं खर्च किए। ठीक है, तो ये आपके भाई ने यार धागे की नलकी रखी हुई है। ठीक है, वीडियो ही बनानी है ना, मुझे इतना शौक़ भी नहीं है, बस कंटेंट जो है बंदे के पास अब कोई कंटेंट ना हो। ठीक है, मैं इसलिए ये कंटेंट बना रहा हूँ। साथ रमज़ान में बंदा बाहर नहीं जा सकता, तो इस हिसाब से मैं ये कंटेंट मैंने यूज़ किए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद और भी चीज़ों पे कंटेंट होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि आप जो है केमिकल और डोर दोनों चीज़ों का बायकॉट करें, इन दोनों का। ठीक है, दोनों जो है ख़तरनाक हैं। ठीक हो गया, तो केमिकल जो है जिन भाइयों को बहुत सारों को तो पता होगी लेकिन किसी किसी को नहीं भी पता होती, ये सैंपल है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो केमिकल है ये भी नहीं यूज़ करनी आज के बाद। ठीक है, तो बाकी जिन भाइयों का दिल मतलब करता है बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाने का, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो यार धागे से भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, धागे से उड़ा लें, सही है, अपना शौक़ पूरा कर लें अगर ज़्यादा दिल करता है तो। भाई आपके भाई ने जो है डोर से गुड्डा नहीं उड़ाया, ठीक है, बस धागे से उड़ाया है। वो पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें छोटा सा पिन्ना था, ठीक है, वो ख़त्म हुआ, उसके बाद ये मैं धागा ले आया हूँ। ठीक है, जो आपको दिखाया है। तो बाकी यार मेहरबानी करो, खुद पर भी रहम करो और दूसरों के बच्चों पे भी रहम करो। ठीक है, तो ये केमिकल और डोर का इस्तेमाल ना करो, मोटी डोर का, सही है। तो बाकी जो भाई मतलब फोत हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, इस एक्सीडेंट से, उनकी मैं पिक आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे वो भाई थे, ठीक है, अल्लाह अब इनके दर्जात बुलंद करे और घर वालों को सब्र दे, सही है। ये भाई थे हमारे, इनको अभी कुछ पता नहीं था, ठीक है, रोड पर क्या होने वाला है मेरे साथ, तो ये जा रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता कि किस काम से जा रहे थे, मैं इतना गहराई में नहीं गया ना, मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली है। तो ये जा रहे थे कहीं काम से, तो इनके गले पे जो है डोर फिरी है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो ठीक है, जो मैंने बताया यार उस पर अमल करो, मेहरबानी करो, सही है, किसी के मौत का जो है बाइस ना बनो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो अभी के लिए इतना ही, भाई को इजाज़त देना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।